एक ऐसा देश जो कभी फ्रेंच एम्पायर का सबसे अमीर कॉलोनी हुआ करता था, लेकिन आज ये देश नॉर्थ अमेरिका का सबसे गरीब देश बन चुका है। ये देश अमेरिका के बाद स्वतंत्रता हासिल करने वाला नॉर्थ अमेरिका का दूसरा देश था, लेकिन इस देश की आजादी इसके लिए अभिशाप बन गई और ये देश बर्बादी की ओर अग्रसर हो गया। यहाँ के लोग अपने देश के 95% जंगलों खत्म कर चुके हैं। इस देश में जादू टोना को धर्म का दर्जा प्राप्त है। जीवन के लिए बुनियादी सुविधाएं यहाँ ना के बराबर हैं। इसके बावजूद यहाँ के लोगों का मानना है कि ये लोग दुनिया के सबसे खुशहाल देश में रह रहे हैं। इस देश का नाम है रिपब्लिक ऑफ हैती। चलिए फिर आज इस देश की सैर पर चलते हैं और जानते हैं इस देश के बारे में कुछ ऐसे दिलचस्प फैक्ट्स, जिसे जानने के बाद आप शुक्र मनाएंगे कि आप भारत में। कैरिबियन आइलैंड हिस्पानियोला पर स्थित देश हैती कैरिबियन क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इस देश का कुल क्षेत्रफल 27,750 स्क्वायर किलोमीटर है। क्षेत्रफल के लिहाज से देश दुनिया का 143वें नंबर पर है। हैती की जमीनी सीमा केवल डोमिनिकन रिपब्लिक से मिलती है, वहीं इस देश की जल सीमा क्यूबा, जमैका और बहामास से मिलती है। इस देश की कुल जनसंख्या लगभग 1,14,00,000 है। जनसंख्या के मामले में हैती दुनिया का 85वां सबसे बड़ा देश है। हैती की 86.9% जनसंख्या ईसाई धर्म को मानती है। 10.6% जनसंख्या किसी भी धर्म को नहीं मानते और 2.2% जनसंख्या फोक रिलीजन का पालन करते हैं। हैती की अर्थव्यवस्था $21.373 बिलियन है, जो कि पूरी दुनिया में 139वें नंबर पर है। हैती की आधिकारिक भाषा फ्रेंच और हैथियन क्रियोल है। हैती की करेंसी गोडे है। गोडे कद्दू की तरह फल वाले एक पौधे का नाम है जो हैती में काफी ज्यादा लोकप्रिय है। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस हैती पहुंचने वाले सबसे पहले यूरोपियन थे। कोलंबस 5 दिसंबर 1492 को हैती पहुंचे थे। दिलचस्प बात यह है कि हैती पहुंचने के बाद कोलंबस को लगा था कि वो इंडिया या चाइना पहुंच चुके हैं। कोलंबस के द्वारा हैती का रास्ता ढूंढने के बाद स्पेन ने आइलैंड को अपने कब्जे में ले लिया और इसे ला हिस्पैनोला नाम दिया। स्पेन के कब्जे के समय इस देश में टाइनो जनजाति के लोगों की जनसंख्या लगभग 1,00,000 के आसपास थी। स्पेन के कब्जे में आने के बाद अगले 30 सालों में इस जनजाति की जनसंख्या 80-90% घट गई। जनसंख्या घटने की एक सबसे बड़ी वजह स्पेनिश लोगों द्वारा किया गया शोषण था, साथ ही इनकी बड़ी आबादी बीमारी की चपेट में आने की वजह से भी खत्म हो गई। टाइनो जनजाति की आबादी घटने के बाद गुलामों के लिए स्पेनिश लोगों ने इस देश में दूसरे अफ्रीकी देशों से गुलामों को लाने लगे। इस देश में इतने ज्यादा गुलाम आ गए कि यह गुलामों का देश बन गया। हैती के वर्तमान जनसंख्या में 95% लोग गुलाम वंश के ही हैं। हैती वेस्टर्न हेमिस्फीयर का सबसे गरीब देश है। इस देश की 80% की आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है। इसमें भी 54% आबादी भयंकर गरीबी की चपेट में। 70% लोगों के पास कोई रेगुलर जॉब नहीं है। गरीबी से जूझने के बावजूद यहाँ के लोग काफी ज्यादा जुआ खेलते हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि इस देश के लोग भगवान से दुआ करते हैं कि वह उन्हें लॉटरी का नंबर बता दें ताकि वे पैसे वाले बन सकें। हैती के लोग काले जादू में भी काफी ज्यादा विश्वास रखते हैं। यहाँ तक कि इस देश में जादू टोना को एक धर्म की मान्यता प्राप्त है। यहाँ के लोग तंत्र मंत्र के जरिए काली शक्ति को अपने काबू में करने का दावा करते हैं। वेस्टर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज्यादा अनाथ बच्चों की संख्या इसी देश में है। 2010 के विनाशकारी भूकंप से पहले इस देश में अनाथ बच्चों की संख्या लगभग 4,30,000 थी। 18वीं सेंचुरी के दौरान हैती फ्रेंच एम्पायर का रिचेस्ट कॉलोनी हुआ करता था। अमेरिका के बाद हैती स्वतंत्रता हासिल करने वाला वेस्टर्न हेमिस्फीयर का दूसरा देश था। यह देश 1804 में ही फ्रांस की गुलामी से आजाद हो गया। आजादी मिलने के बाद 1804 से 1915 तक इस देश में 70 तानाशाह की हुकूमत रही है। हैती का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। इस देश ने सबसे पहले 1974 में फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था। हैती में मुर्गों की लड़ाई आज भी बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। सैकड़ों लोगों की भीड़ के बीच मुर्गों की लड़ाई होती है। जीतने वाले मुर्गे के मालिक को इनाम के तौर पर $67 मिलते हैं। हैती के लोगों के लिए रकम एक महीने की सैलरी के बराबर है। हैती की 80% आबादी खेती पर निर्भर है। 1923 तक इस देश का 60% क्षेत्र जंगल था, जो कि अब मात्र 2% बचा है। आय का कोई दूसरा स्रोत ना होने के कारण इस देश के लोगों ने खेती का जमीन तैयार करने के लिए काफी तेजी से पेड़ पौधों की कटाई शुरू कर दी। इन्हें खेती के लिए जमीन तो मिल गई,
लेकिन अब उन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हैती के लोगों को हर साल विनाशकारी बाढ़ और भयंकर तूफान का सामना करना पड़ता है। हैती में साक्षरता दर मात्र 60% है। यहाँ 20% सरकारी स्कूल जबकि 80% प्राइवेट स्कूल है। इस देश में मात्र 40% बच्चे स्कूल जा पाते हैं। इस देश में केवल एक ही यूनिवर्सिटी है। ज्यादातर अमीर घराने के बच्चे पढ़ाई के लिए दूसरे देशों में चले जाते हैं और फिर उसी देश के होकर रह जाते हैं। इस देश की बदहाली की एक बड़ी वजह ब्रेन ड्रेन भी है। इस देश की आधी दौलत देश के केवल 1% लोगों के पास है। मोबाइल और इंटरनेट जैसी बेसिक चीजें भी यहाँ केवल अमीरों के लिए ही है। रात रात भर बिजली का गायब रह रहा इस देश में रोज की बात है। हैती आज भी कई जानलेवा बीमारियों से जूझ रहा है। कॉलेरा जैसी बीमारी आज भी इस देश में मौजूद है। 2010 से 2017 के बीच इस देश में 8 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी की चपेट में आ गए थे। लगभग 9600 लोगों की जान चली गई थी। इसके अलावा इस देश में टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और जीका जैसी बीमारियां भी बेहद कॉमन है। इस देश में हर 50 में से एक व्यक्ति एड्स का शिकार है। इस देश में प्रोफेशनल हेल्थ केयर वर्कर्स और हॉस्पिटल्स की भयंकर कमी है। इस वजह से ज्यादातर लोग उचित इलाज के इंतजार में मर जाते हैं। यहाँ प्रत्येक 10,000 लोगों पर केवल एक हॉस्पिटल बेड उपलब्ध है। हैती के लोगों की औसत आयु मात्र 63 साल है। पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हैती में है। हैती में जन्म के समेत 1,000 बच्चों में 74 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। इस देश में 10% बच्चों की मृत्यु 5 साल की उम्र से पहले ही हो जाती है। वहीं 59% बच्चे एनीमिया से ग्रसित होते हैं। इस देश के लोगों की मासिक औसत आय $480 है। गरीब देश होने के बावजूद यह काफी महंगा देश है। इस वजह से यहाँ के लोगों की सारी कमाई खाने पर ही खर्च हो जाती है। हैती में जो बसें चलती है वो सभी सेकेंड हैंड होती है और उन्हें अमेरिका से खरीदा जाता है। इस देश के लोग बसों को बहुत ही खूबसूरती से सजाते हैं। सामान्य कार भी यहाँ लग्जरी मानी जाती है। इस देश में 1,000 लोगों में केवल 5 लोगों के पास कार है। हैती में तलाक का कानून काफी अजीब है। यहाँ एक पार्टनर की मौजूदगी में ही तलाक दिया जा सकता है। हैती में 2010 में आए भयंकर भूकंप ने इस देश के हालात को और ज्यादा बदतर बना दिया। इस भूकंप में लगभग 2.5 लाख लोगों की जान चली गई। वहीं 3 लाख लोग जख्मी हो गए। 15 लाख लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। वहीं 30 लाख लोग इस भूकंप से प्रभावित हुए। इस देश में जो नाम मात्र की सुविधा मिल रही थी इस भूकंप में वह भी ढह गई। इस भयंकर भूकंप के बाद पूरी दुनिया हैती की मदद के लिए आगे आई। अंतर्राष्ट्रीय संस्था और आम लोगों ने मिलकर इस देश के लिए $16 बिलियन जुटाए थे। आज भी दर्जनों NGO इस देश को गरीबी से उबारने में लगे हुए हैं। हैती के लोग बेहतर जीवन की उम्मीद में अमेरिका में घुसपैठ करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। हैती के 15 लाख लोग पहले से ही अमेरिका में रह रहे हैं। दुनिया भर की समस्याओं के बावजूद यहाँ के लोगों का मानना है कि हैती एक खुशहाल देश है। यहाँ के लोग पारंपरिक डांस करने में भी माहिर हैं। हैती में हर साल लगभग 10 लाख पर्यटक घूमने आते हैं। कृषि के बाद टूरिज्म डिपार्टमेंट से ही इस देश को सबसे ज्यादा कमाई होती है। हैती के मुख्य टूरिज्म अट्रैक्शन में लबारी आइलैंड, अमीग आइलैंड, पैपिलिन एंटरप्राइज, बेसल ब्लू, कैटरस बीच इत्यादि है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। क्या आप हैती घूमने जाना पसंद करेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। और अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।